नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी मैं बैठा हुआ हूँ इग्निस में और आपको पता होगा ये जो इग्निस है इससे हमने काफ़ी लंबी ट्रिप की है, नैनीताल की भी ट्रिप की थी और नैनीताल की ट्रिप के दौरान जो इसका माइलेज था वो करीब 17 के करीब निकल के आया था, जहाँ पर हमने इस गाड़ी को हर तरह की कंडीशन में चलाया था। हिली रोड में भी चलाया था, हाईवे पर भी चलाया था, ख़राब रास्तों पर भी चलाया था, तो करीब 17 का माइलेज निकल के आया था। और जब हम इसको दोस्तों हाईवे पर चलाते हैं, स्पेशली मैं जब चलाता हूँ, तब जो है इससे माइलेज 22 से ऊपर निकल के आता है और MID में तो जो है 24 के करीब दिखाता है। और एक चीज़ और है दोस्तों कि इसकी जो MID है ना, जितना एवरेज शो करेगा ना लगभग उतना ही टैंक टू टैंक माइलेज हमने ना पाया 2-3 बार। अभी दोस्तों मैंने इस गाड़ी को जो है करीब 25 किलोमीटर जो है सिटी में ड्राइव किया था और उसके बाद करीब 20 किलोमीटर हाईवे पे और उसके बाद ख़राब रास्ते पे गांव के रास्ते पे ड्राइव करके आ रहा हूँ, तो करीब 70 किलोमीटर अभी मैंने इस गाड़ी को चलाया। मैंने ट्रिप को रीसेट किया था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है 69.7 हो गया, 70 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चलाया और इस दौरान यानी कि सभी तरह की कंडीशन में जो माइलेज निकल के आ रहा है, देखिए MID में 20.2 KMPL का निकल के आ रहा है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि एक्चुअल में इग्निस माइलेज कितना देती है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इग्निस जो है अभी जब मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो 20.2 का माइलेज निकाल के दे रही है। और ये जो माइलेज, जैसा कि मैंने बताया आपको, 25 किलोमीटर मैंने करीब ट्रैफिक में जो है सिटी में गाड़ी को ड्राइव किया था और यहाँ पर जो है 20 किलोमीटर के करीब मैंने इसको हाईवे पर ड्राइव किया और उसके बाद जो है सीधे सीधे मैं ख़राब रास्तों पर ही ड्राइव कर रहा था इस गाड़ी को। तो करीब 70 किलोमीटर जब मैंने इसको चलाया है तो माइलेज निकल के आ रहा है 20.2, तो काफ़ी अच्छा माइलेज निकल के आ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसकी जो MID है ना, एक्चुअल में टैंक टू टैंक भी जो है लगभग इतना ही माइलेज शो करती है। तो MID जो माइलेज शो कर रही है ना, अगर मैं टैंक फिर से फुल कराऊंगा तो लगभग इतना ही माइलेज निकल के आएगा। और ये चीज़ दोस्तों हमने दो बार टेस्ट की है, तो MID में जो एक्चुअल में माइलेज शो हो रहा है वास्तव में गाड़ी जो है उतना ही माइलेज देती है। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो है आपकी ड्राइविंग हैबिट पे भी डिपेंड करता है, फ्यूल की क्वालिटी और क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। मेरे जीजाजी जब इस कार को चलाते हैं तो वो मैक्सिमम 18 तक का माइलेज निकल पाते हैं, उससे भी कम निकाल पाते हैं। और जब मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ तो मैंने जो है इस गाड़ी से 24-25 तक का भी माइलेज निकाला है MID के हिसाब से। अब आप कहें कि MID जो है एक्चुअल में उतना माइलेज नहीं देती, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब हम नैनीताल ट्रिप करके आए थे तो उस दौरान हमने 2-3 बार रीफ्यूलिंग कराई थी, तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट जब किया तो माइलेज बिल्कुल सही बता रही थी MID। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि MID जो है इसकी बिल्कुल सही माइलेज निकालती है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि एक्चुअल में जो इग्निस है वो कितना माइलेज देती है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 70 किलोमीटर मैंने ट्रिप्स रीसेट करने के बाद जब गाड़ी को चलाया है तो 20.2 का माइलेज निकाल के दिया है इसने। और पहले तो जो है दोस्तों ये करीब 22 के करीब पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही हम ख़राब रास्ते गांव वाले रास्ते पे आए तो इसका माइलेज ड्रॉप होता चले गया। अब जो है हम हाईवे पर थोड़ा चलेंगे फिर जो है इसका माइलेज और भी बढ़ जाएगा। तो ये जानकारी थी इग्निस के माइलेज के बारे में, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। और आपका जो सवाल था कि इग्निस एक्चुअल में कितना माइलेज देती है, तो ये आपको पता चल गया होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, 20.89 KMPL का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, लेकिन ये जो गाड़ी है आपकी ड्राइविंग हैबिट के अनुसार माइलेज आपको निकाल के देगी, उससे भी ज़्यादा माइलेज निकाल के देगी जितना कंपनी क्लेम करती है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।